अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज चल रहे हैं एक ऐसे अछूते ते अनोखे दरबार शरीफ ते कि जिहदी कहानी सुन के तुहाडे तौर पर एक दफ़ा पहुँच जाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सोहना दरबार है। तो चलने हाजिरी होंगी है, मुहर्रम शरीफ चल रहे हैं, तो लिहाजा उहदी निस्बत अच्छी अच्छी वीडियो तुहाडे कोल जिहड़ियां ना, यानी कि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा नाम लैण वाले लोगों दी वो इंशाल्लाह लियाउंदे आ। आज दी वीडियो वेखण वाली है, जरूर वेखो। तो दरबार से जाने तो पहले अपड़न तो पहले मेहरबानी है कि वीडियो नूं लाइक कर लो, तो चैनल भी सबसक्राइब कर लो। तो अगे बस आ गया, थोड़ा रह गया, तुहानूं विखाने आ। यह दरबार सामने नज़र आ रहा, आप वेखदे हो माशाल्लाह किड्डा सोहना गुंबद है। अजकल मौसम जिहड़ा ना, तुहानूं पता बारिशां दा, ते राहां दे बड़े भैड़े हालात, आप वेखदे हो कच्चे राह ने पंजाब दे। इधर भी हुकूमत में चाहिए कि तुज तो यकीन करो कि जो मासा कु बारिश पै जाए ना, तो फिर तो लंघिया जाता ही नहीं। फिर गड्डिया छड़िया कोई नहीं, फिर पैदल जा सकते हो, तंबिया टोंके तहमत टोंके तो फिर ही है। लो जी वो अगे रह गया दरबार, माशाला आ गया। बस समझो असी अपड़ पे हाँ, रब रखी खैर। अगे सोल लग गया जी, मेहरबानी उन्होंने जिन्हें दरबार बनाया तो चार पैसे लाए ने, उन्होंने यह मेहरबानी की थी, देखो टोटा एक बना दिता। लो जी असी आ गए दरबार से, इतने जरा गड्डी खिलारने हैं, तो फिर आप भी सलाम करने हैं, तो तुहाडा भी जड़ा ना विजिट कराने हैं, तो हाजिरी लवाने। लो जी असी अलहमदुल्ला आ गए मज़ार शरीफ से, तो अंदर चलने हैं, तो तुहाड़ी भी ज़ियारत करवाने हैं, तो नाले कुछ मालूमात ने साझियां करने हैं कि जिन्हों का शायद तुहानू अगे नहीं पता होगा। पहले मैं तुहानू दस देवां कि आ पिछे भी जरा ना, यह पिंड ठरो ठरो बहुत मोटा पिंड है, तो नौ नवे पिंड है कि जोड़ा 47 की वंड तो पहले इतने बहुत ज़्यादा हर धर्म के लोग जोड़े आबाद सन, तो सिख भी भरा भी रेंदे सन, हिंदू बरादरी भी सी, फिर मुसलमान सारे मिलजुल के बड़ी मुहब्बत ना रेंदे सी। फिर 47 की वंड तो वो चले गए उधर, तो अजे भी उन्होंने पुरानिया चीज़ा है ने कि जिहड़ियां निशानदेही दे तौर पर, तो ये उस पिंड नाल ये लगता है जिहड़ा दरबार है। इस तो थोड़ा जिहा अगे नाल तुसीं पिंड वेंदे हो, जदों असीं आए हाँ वो अपना पिंड तो अगे थोड़ा जिहा विरक, ये विरक दे ते ठो दे विचकार है दरबार, तो आओ अंदर चलने तो ज़ियारत करने। असल जेड़े बाबा जी ने ना, असल जेड़ा इन्हों का है गुंबद रोज़ा है, ये बाबा जी की अंदर ढेरी है, यह उन्होंने जेड़े ना वो मरीद सन फादम सन, तो ये उन्होंने मज़ार है। ये असं अगे अंदर चल रहे हैं, तो अंदर जरा ज़ियारत करने हैं, नाले दुआ खैर करने हैं, तो फिर तुम्हें आके ना इतने स्टोरी सुनाने कहानी सुनाने कि कौन सन तो कितों आए। बहुत सोहना रोज़ा रोज़ा बनया जी, नाम पाठ जी इन्हों का हाफिज हकीम हाफिज आबिद मुहियुद्दीन उर्फ शहीन कादरी चिश्ती तरतूसी दरबारे सखी सरकार। माशाल्लाह जी
अल्लाह पाक जिथे आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक करोड़ा रहमतों दी बरकत जिहड़े ने तजलियां इन्हां ते अनायत फरमाए ते बरखा नाजल फरमाए ते अल्लाह सोना खैर करे जी सब दे। ते जिहड़े औलिया कराम ने वली अल्लाह ने अल्लाह पाक दीआं नेक हस्तियां ने इन्हां दीन वास्ते बड़ियां मेहनतां कीतियां होंदियां। असीं ते दुनियादार बंदे हैं, इन्हां दीन वास्ते बहुत मेहनतां कीतियां होंदियां ने ते तां ही अल्लाह दे परजीदा जिहड़े ने बंदे बणदे ने। महफल का इतने जोड़ा जो इहतमाम हों जे 29 दिसंबर में, हाँ जी 29 दिसंबर में इतने जोड़ा ना ये जोड़ा उर्स इतने होंगे तो महफिल पाक का भी इंतजाम होंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो रोचा रोजा बनाया इसे। यह दीवे पे ने जिन्हां ते तेल पा के चिरागियां बालदे ने। यह जिहड़े बाहर तुसीं यह वेंदे हो कि यह जिहड़ी कबर है ना यह उन्हां गुलाम रसूल कादरी साहब दी, यह उन्हां दी वालदा माजद है कि जिहड़े यानी कि इत्थे दे खादम सन ते देखभाल वगैरह करदे रहे ते उन्हां दे मुरीद सन। हुण मैं तुहानूं दस्सना वा कि इन्हां दी जिहड़ी असीं वड्डियां कोलों इन्हां दी तफसील सुणी, असीं तां खैर नहीं वेखी क्योंकि अरसा दराज पहले दा यह मज़ार है। तो ये जो बाबा जी अंदर आराम फरमा रहे हैं जिन्ह का रोज़ा है तो मज़ार है। इस पासे ने हकीम मंजूर अहमद साहब ने, यह भी इन्हों को मरीद खास वगैरह होंगे। इन्हों की जी ना दास्तान जी असी मशहूर वाकया इन्हों सुनया तो जरा रस्ते तो मैं तुम्हें दसिया कि इन्हों का एक अछूता तो अनोखा वाकया है वो ये सरकार का कि बजुर्ग दसते ने पुराने कि ये जिहड़े अंदर आराम फरमा रहे ना सरकार इन्हां दी उम्र कोई 16-17 साल सी कि जदों इस जगह ते ना खाली वीराना हुंदा सी इद्दन ते इत्थे आ गए सन। इत्थे आ के ना फिर क्योंकि नौजवान सन जे शादी भी नहीं सी कीती ते घर वाले इन्हां दे पिछों जिहड़े सुनिया कि लाहौर वाली साइड दे सन किते वह लैण वास्ते आउंदे रहे ने पर ये नहीं जाते रहे। कहिंदे ने कि अल्लाह दी तरफों मैनूं हुक्म है कि इत्थे दीन वास्ते नौकरी कीती जाए तो इत्थे ही फिर रहे ने, इत्थे ही दीन ना दीन वास्ते काम किया, लोगों को इस पासे लैके आए दीन वाले पासे। तो क्योंकि सादा लोग से पहले तुहानू पता है कि दीन ऐसे तरह ही फैलिया कि जिवें बरेसगीर पाको हिंद विच एवें ही आया तो औलिया कराम तो अल्लाह पाक ने नौकरियां लईयां ने वो फिर इत्थे इन्होंने डेरा ला लिया फिर दुनिया आना जाना शुरू हो गई तो दीन फैलिया इस तरह। तो इन्हें सारी जिंदगी अगों फिर जिहड़ा ना वो शादी वगैरह सुनिया कि नहीं की तो दीन वास्ते ही बस लग गया। यही इन्हों का एक अछूता वाकया इन्होंने दीन वास्ते सारी जिंदगी वक्त कर दी। माशाल्लाह अज उन्होंने ना चलते ने वेखो तुम माशाल्लाह जिन्होंने दीन वास्ते अल्लाह के दीन की सरबुलंदी वास्ते काम किया ना अल्लाह पाक कभी उन्होंने मौत नहीं दिता। मौत तो मुराद ये नहीं कि वह मरते नहीं या मौत नहीं आती, आँदी है क्योंकि मौत का प्याला तो हर किसी चखना है। लेकिन यह जी मौत नहीं एक बंदा होंगे कि साढ़े वर्गा कोई गुनहगार बंदा मर जाए तो 2-4-5-10-20 साल तो बाद कोई याद नहीं करता, उन्होंने कहें मर गया। वह यह लोग मरण तो बाद भी हयात रेंगे ने कि दुनिया याद करती रही है क्योंकि उन्होंने दुनिया वास्ते काम ही नहीं किया होंगे। उन्होंने अल्लाह की अल्लाह के रसूल की मर्जी के नाल जो जिंदगी गुजारी होंगी है तो सारे काम किए होंगे दीन वास्ते जिंदगी गुजारी वो नौकरी वास्ते जिंदगी गुजारी होंगी। फिर अल्लाह पाक की जात भी उन्होंने मंजिल देता तो उन्होंने इज्जत देता तो रही दुनिया तक उन्होंने नामो निशान जरा रखता तो माशाल्लाह अल्लाह के नेक बजुर्गों के दर पर आओ तो सुकून मिलता। अल्लाह पाक इन्हों के दर्जात बुलंद करे असी तो दुआवा करने हैं अल्लाह पाक साढ़े भी हाल तो मेहरबानियाँ करे तो पूरी दुनिया के जड़िया तंगियां मुसीबत तकलीफा जंगा ने अल्लाह की जात दूर करे तो अमन शांति पूरी दुनिया से प्यार मुहब्बत ना लोग रहन तो ये ही जरा मज़ा है सारा। बाकी इन्हों जंगा में परेशानी कुछ नहीं रखे अल्लाह की जात दूर करे सारा कुछ। तो मैं उम्मीद करना कि तुम्हें अज की वीडियो जी है ना चंगी लगी होएगी, जो चंगी लगी है तो लाइक करो तो मुहब्बत दो, चैनल तो नवे हो तो सबसक्राइब जरूर करो तो इंशाल्लाह कल किसी होर वीडियो का ना मुलाकात होएगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो तो मैं इजाज़त रब सोने के हवाले।